Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 15-5-2020. Subject English Grammar, Class 5, Book The Grammar Right Book, Chapter 3. We were reading Degrees of Comparison. My dear students, हम लोग last class में Degrees of Comparison के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? तो आज हम लोग continue करेंगे. हम आपको बोले what is Degrees of Comparison? Positive degree, comparative degree, superlative degree, right? ये सब किस कैसे करके हम लोग ये सब डिग्रीज कंपेयर करते हैं, राइट? कॉम्पिटिटिव डिग्री दो नाउंस के बीच और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू नाउंस के बीच, राइट? और कॉम्पिटिटिव डिग्री में हम लोग क्या ऐड करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए? पॉजिटिव डिग्री को अगर हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदलना है तो हम क्या ऐड करते हैं? ER. अगर हमें पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं? EST. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. देखिए पॉजिटिव डिग्री स्लिम, तो इसका कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगा? स्लिमर. और सुपरलेटिव डिग्री स्लिमेस्ट. क्लियर, पॉजिटिव डिग्री क्या है? क्लियर. तो उसका कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगा? क्लियरर. एंड सुपरलेटिव डिग्री क्लियरेस्ट. पॉजिटिव डिग्री लकी का क्या होगा? कॉम्पिटिटिव डिग्री में लकीयर. एंड सुपरलेटिव डिग्री लकीएस्ट. सो पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल का क्या होगा? कॉम्पिटिटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है, तो ये जस्ट पॉजिटिव डिग्री टू कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो और एक बात की बात को ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव डिग्री से जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होता है उसमें हम लोग ER ऐड करते हैं, राइट? कुछ एडजेक्टिव से, बट कुछ एडजेक्टिव्स में हम लोग मोर ऐड करते हैं उसे कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने में. और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग EST ऐड करते हैं कुछ एडजेक्टिव से और कुछ एडजेक्टिव में मोस्ट. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ड्स में हम लोग मोर और मोस्ट और ER और EST ऐड कर सकते हैं, राइट? टू उसे पॉजिटिव डिग्री कॉम्पिटिटिव में या सुपरलेटिव में बदलने के लिए. ठीक है, इरेगुलर एडजेक्टिव. सर्टेन एडजेक्टिव चेंज कम्पिटिटिव व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. ऐसा बहुत सारे एडजेक्टिव्स है जो कम्पिटिटिव चेंज करता है, राइट? एक डिग्री से दूसरा आने के लिए. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल. देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव जो कम्प्लीटली बदल जाता है, वो सेम नहीं रह जाता पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव में. पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव आने में वो उसका पूरा वर्ड बदल जाता है और कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव आने में उसका मोस्टली इट्स वर्ड्स. ओके, जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री में बैड, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होगा? ऐसे वर्स और सुपरलेटिव डिग्री में वर्स. हम लोग बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं बैड, वर्स एंड वर्स्ट. गुड और वेल, हम लोग क्या बोलते हैं? बेटर और बेस्ट. गुड और वेल, हम लोग गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बोलते हैं. गुड और वेल का एक ही होता है, बेटर या बेस्ट. ठीक है, फार, फार्दर, फर्दर, फार्देस्ट, फर्देस्ट. यहाँ पे देखिए फार का दो कॉम्पिटेटिव होता है और दो सुपरलेटिव. एक फार्दर है, FARTHER, फार्दर, और FURTHER, फर्दर. और सुपरलेटिव डिग्री में FARTHEST, फर्देस्ट, और FURTHEST, फर्देस्ट. ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री में देखिए लिटिल है और कॉम्पिटिटिव डिग्री में देखिए लेस है. ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट. पॉजिटिव डिग्री में ओल्ड का ओल्डर और एल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट. और पॉजिटिव डिग्री में मेनी का कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होता है? मोर. और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट. तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारा पॉजिटिव डिग्री है जो क्या है आपका कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव में बिल्कुल बदल जाता है वर्ड. जैसे बैड का हम लोग क्या पढ़े थे? वर्स और वर्स्ट. गुड और वेल का बेटर और बेस्ट. फार का फर्दर और फर्देस्ट, और फर्देस्ट और फर्देस्ट. ओके, फार, फर्दर और फर्देस्ट और फर्देस्ट. लिटिल का लेस, लीस्ट. ओल्ड का ओल्ड, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट. मेनी का मोर और मोस्ट. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स दैट चेंज कम्प्लीटली व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर आर कॉल्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स. इसे हम बोलते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव्स अपने आप को कम्प्लीटली बदल जाता है, जब हम लोग एक डिग्री से जब दूसरा डिग्री में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? वो एडजेक्टिव कम्प्लीटली बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स. ठीक है, कुछ बात से इसको ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा. लुक एट दिस पेयर ऑफ सेंटेंस, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ एडजेक्टिव. देखिए ये कुछ पेयर ऑफ सेंटेंस है, इसमें कैसा डिफरेंस किया गया है एडजेक्टिव का यूसेज. सी लुक्स मोर हैप्पी टुडे. सी लुक्स हैप्पियर टुडे. सी लुक्स द मोस्ट हैप्पीएस्ट टुडे. सी लुक्स द हैप्पीएस्ट टुडे. देखिए हैप्पी का कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. उसमें हम लोग मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते हैं. तो इसलिए एक बात है कि कभी कभी वी डू नॉट यूज़ डबल कॉम्पिटिटिव एंड डबल सुपरलेटिव. हम लोग कोई डबल कॉम्पिटिटिव और डबल सुपरलेटिव यूज़ नहीं करते. हम लोग खाली एक ही कॉम्पिटिटिव और एक ही सुपरलेटिव यूज़ करते हैं, राइट? जैसा हम आपको पहले में बताए थे, जो पॉजिटिव डिग्री में ER और
पॉजिटिव डिग्री में अगर चेंज करते समय ईआर और ईएसटी लगता है या फिर मोर और मोस्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि अब सब एडजेक्टिव्स में आप मोर और मोस्ट लगा के उसे आप कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, या फिर ईआर और ईएसटी लगा के कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स, आप इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप समझ गए ये, तो आप इन क्वेश्चन नंबर डी कीजिएगा। राइट द मिसिंग एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन द टेबल बिलो। तो आप इसको समझ के आप ये नंबर डी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम आपको और एक बार बोल रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास में कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे, क्या क्या पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के, इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ के समझने के बाद आप ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।